कंपनी क्यों वाई ओके लाइफ केयर आप हमेशा सुनते हैं, बट ओके लाइफ केयर अगले एक साल में क्या करने वाली और पीछे क्या की। देखो डेटा हमेशा डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। यदि आपके पास में सारे पैरामीटर जो कंपनी को बड़ा करने के लिए क्या पैरामीटर्स हैं, कंपनी ने इतने कम टाइम में क्या क्या किया है, यदि डेटा एनालाइज करें आप 2 साल में 2.5 साल में 1.5 साल में पीछे जाके बैक गियर लगा के, तो आपको महसूस होगा कि कंपनी किस मुकाम पे आपको लेके जाने वाली है अगले कुछ महीनों में, इनफैक्ट अगले 1 सालों के अंदर में। यदि एक कंपनी का सीईओ यहाँ के बोल रहा है कि 2022 में कम से कम 5 लोग की इनकम 1 करोड़ से ऊपर होगी, सुनना ध्यान से, 1 करोड़ से ऊपर होगी, तो एक दो नाम तीन नाम तो समझ में आ रहा है, बाकी तो 3 नाम कौन से हैं सर आप लोग के बीच में? मैं भी, मेरा कनेक्शन क्या है कि यदि कोई व्यक्ति को एक बार समझना कि आप 42 लाख तक पहुंचने में लगा है 2 साल, लेकिन पहले 1 साल की इनकम कितनी थी, पहले 1 साल की इनकम कितनी थी, ज्यादा 2-3 लाख थी महीने की, 4 लाख थी महीने की। मैंने जून में BMW परचेज किया था, यानी कि उसमें इनकम थी 4.5 लाख लगाई थी मनीष भाई, यानी कि पहले 1 साल की इनकम 4 लाख और आखिरी 1 साल की इनकम कितनी, सीधे 38 लाख बढ़ गई, क्योंकि 42 लाख इनकम गई फिर 26वां पे और था 42 लाख का, यानी पहले 1 साल में इनकम क्या थी। आप किसी लीडर का पेआउट देखना, किसी भी लीडर का पेआउट, सबका डेटा ऐसे मिलेगा। सोनम की इनकम देखो पहले 1 साल में कितनी थी, बहुत छोटी इनकम थी, 1.5-2 लाख के आसपास, लेकिन सीधे अगले 1 साल में इनकम कितनी पहुंची, 22 लाख 20 लाख का ग्रोथ। यानी हर लीडर की इनकम आप देखोगे पहला 1 साल टफ होता है इनकम बढ़ाना, उसके बाद नहीं। अब कंपनी बोली कि 1 करोड़ लेके जाएंगे तो उसमें एक नाम मेरा होना चाहिए, मैं भी प्रयास करूंगा कौन जाऊँ राइट। तो 42 लाख से 1 करोड़ का क्या होता है कि जहां पे मैं हूं इससे डबल से भी ज्यादा राइट। अब इससे डबल से भी ज्यादा होगा तो मैं, आप लोग तो बोनस वाले हो, आपको छोड़ देते हैं, आप लोग अगले 3 महीने में जो टीम लेकर आओगे बॉस, उनकी इनकम जब तक 2-4 लाख नहीं पहुंचेगी हम एक और जा ही नहीं सकते, समस्या यहां पे है।